ओ भाई साहब, नीचे भी यहाँ पर हैंड वॉश निकला है, पूरा डब्बा खाली। ये क्या तगड़ा स्कैम हो गया भाई, 38,000 की चीज में ये 30 रुपए की टिक्की और 50 रुपए का ये। हे गाइस, व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सबसे पहले तो भाई माफी, जरा थोड़ा आवाज एको हो रही होगी क्योंकि नया नया स्टूडियो है, कुछ भी एकोस्टिक फोम या फिर फर्नीचर लगाया नहीं है, इसलिए गूंजेगी। बट आज की इस वीडियो में भाई मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ निंटेंडो स्विच ओलेड वाले वेरियंट की, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अब सच्ची बताऊं तो मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी भी निंटेंडो का कोई भी डिवाइस नहीं खरीदा था, इतने सारे डिवाइसेस आते हैं, सॉरी कॉन्सोल्स आते हैं। बट ये जो मॉडल आया ना स्विच का ओलेड वेरिएंट, ये मुझे काफ़ी पसंद आया। मैंने कहा चलो यार, शुभ गणेश कर दिया जाए और अपना पहला निंटेंडो ले लेते हैं, प्लस आपके लिए भी कॉन्टेंट बहुत अच्छा अच्छा शूट करेंगे इससे। जैसे कि आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग होने वाली है, इसका फर्स्ट सेटअप करेंगे। मैंने एक्सबॉक्स सेटअप किया है, मैंने PS5 सेटअप किया, मतलब प्ले स्टेशन के जितने भी कॉन्सोल्स हैं सब सेटअप किया है, हैंडहेल्ड जितने कॉन्सोल्स आते थे PSP, PS Vita, वो सब सेटअप किया है, बट आज तक एक निंटेंडो को सेटअप नहीं किया कभी भी, तो वो भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो जैसे जैसे मैं सीखता जाऊंगा इस वीडियो में आपको भी बताता जाऊंगा। सबसे पहले तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। फ्रंट साइड में यहाँ पर ऊपर लोगो दे रखा है निंटेंडो का, उसी के नीचे निंटेंडो स्विच लिखा हुआ है। बहुत ही बड़ा यहाँ पर हमारा हैंडहेल्ड डिवाइस है, ये दोनों जॉयकॉन्स कहते हैं इन्हें, वो मैं अंदर दिखाऊंगा। और नीचे यहाँ पे देख सकते हो आप, साफ साफ लिखा हुआ है ओलेड मॉडल। तो बेसिकली प्ले स्टेशन के मामले में जैसे PS4 स्लिम था, फिर उसके बाद प्रो आया था ना, तो उसमें क्या थी, आपको हार्डवेयर में चेंजेस मिले थे जिससे गेम प्ले जो है आपका काफ़ी अच्छा हो गया था। बट इसमें क्या, जो नॉर्मल वाला निंटेंडो आता है ना, एक तो लाइट आता है, वो तो चलो अलग चीज़ है, लेकिन जो निंटेंडो स्विच है ना, उससे और ओलेड वाले में क्या डिफरेंस है, जो ओलेड वाला है, ओलेड का मतलब आपको पता ही होगा डिस्प्ले से रिलेटेड, तो इसमें आपको ग्राफिक्स एंड डिस्प्ले जो है ना वो नॉर्मल स्विच के वेरिएंट से बहुत तगड़े मिलेंगे। तो बस यही दोनों में डिफरेंस है। प्राइस की बात करूं तो नॉर्मल वाला स्विच इंडिया में 26,000-27,000 रुपए का मिल जाता है, और ये वाला जो मॉडल है ये 37,000-38,000 रुपए का इंडिया में आपको देखने को मिल जाएगा, अमेजोन पे आप ले सकते हो। बट मेन बात भाई, इंडिया में ये ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुए आज तक, मतलब जितने भी ये आप निंटेंडो देखोगे ना बिक रहे किसी भी मार्केट में ऑनलाइन, ये सारे के सारे भाई इंपोर्टेड वेरिएंट्स हैं, मतलब दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करे जाते हैं। इंडिया में ऑफिशियली कोई भी निंटेंडो नहीं है, इसलिए इसका ना तो आपको बिल मिलेगा ना ही कोई वारंटी मिलेगी। आप सिर्फ स्टोर पे जाके चेक कर सकते हो खोलकर कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है आपका कंसोल, उसके बाद आप घर ले जाओगे तो कोई किसी की वारंटी नहीं मिलेगी। मैंने तो वैसे ये पालिका बाजार से लिया, आपको करोल बाग वगैरह हर जगह से मिल जाएगा, इसका व्लॉग देख लेना खरीदने वाला, अपने ही चैनल पर डाला हुआ है। बॉक्स के अंदर की कंटेंट की बात करी जाए तो ये सामान आपको मिलता है, टोटल 8 चीजें हैं, लिस्ट भी दे रखी है, खैर पढ़ने की क्या जरूरत है भैया, सीधा खोल लेते हैं। और बैक साइड में देखे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा टेबल टॉप मोड भी है, इसमें आप ऐसे अपने निंटेंडो को रख सकते हो, ये देखो ऐसा कुछ स्टैंड है। बाकी टीवी मोड है, मतलब डॉक आपको इसके अंदर मिलता है, आप इसको इस स्क्रीन के साथ भी खेल सकते हो, साथ ही साथ टीवी में अटैच करके भी खेल सकते हो। और नीचे तीसरा है वो हैंडहेल्ड मोड, जो आपका नॉर्मल मोड है। बाकी इस साइड भी लिखा हुआ है ओलेड मॉडल, 7 इंच का ओलेड स्क्रीन है, 64GB इसकी इनबिल्ट स्टोरेज है, डॉक विद लैन पोर्ट आता है भाई साहब, मतलब आप लैन केबल तक लगा सकते हो। और तीसरा एडजस्टेबल स्टैंड है, मतलब एडजस्ट करके आप इसको टेबल पे भी रख सकते हो मूवीज वगैरह देखने के लिए। इस वाले लोगों को देख के पता चलता है कि ये इंपोर्ट किया गया है दुबई से, मतलब दुबई नहीं UAE से इंपोर्ट किया गया है, ज्यादातर होता दुबई से ही है इसलिए मैंने दुबई बोल दिया। फटाफट से भाई अब अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करना काफी ज्यादा इजी है, यहां से ये फ्लैप हटाना है और इस तरह से पूरा का पूरा बॉक्स जो है, अबे ओ तेरी काय कंसोल भाई, डिटोल की टिक्की निकली है। ओ भाई साहब, नीचे भी यहां पर हैंड वॉश निकला है, पूरा डब्बा खाली। ये क्या तगड़ा स्कैम हो गया भाई, 38,000 की चीज में ये 30 रुपए की टिक्की और 50 रुपए का ये 80 रुपए का सामान निकला है 38,000 के बॉक्स में। मजाक कर रहा हूँ भाई, अनबॉक्सिंग करने पे सबसे पहले तो हमें मेन स्क्रीन मिल जाती है 7 इंच की, दूसरे अपने दोनों जॉयकॉन्स मिल जाएंगे। इसको हटाते ही भाई पूरा एक्सेसरीज का भंडार है। सबसे पहले ये चार्जर है। एक चीज नोटिस करना, इसके जो आगे की पिन है ना वो इंडियन वाली नहीं है, क्योंकि ये पीस UAE का है, तो प्लग भी आपको जो मिला है वो वहां का ही मिला है, तो इसके लिए एक कन्वर्टर लेना पड़ेगा मुझे, तभी मैं यूज कर पाऊंगा। एक मिल जाती है HDMI केबल, अगर आप इसको टीवी से कनेक्ट करके खेलना चाहते हो तो। बाकी एक ये कंट्रोलर टाइप का मिल जाता है, इसमें आपके जॉयकॉन्स फिट हो जाएंगे और एक्सटर्नल ये जैसे Xbox का कंट्रोलर होता है ना, उसी तरह से आप फील ले सकते हो गेम की। ये कुछ चीज मिली है मुझे, पता नहीं चल रहा क्या है, मेरे ख्याल कुछ चार्जिंग का या फिर लटकाने का है, चलो बाद में देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है निंटेंडो का,
तो कुछ कुछ चीजों की नॉलेज मुझे भी नहीं है। लास्ट में मिलता है हमारा ये एक डॉक जिसके अंदर हम अपनी स्क्रीन को कुछ इस तरह से फिट करके फिर HDMI केबल इससे कनेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर पोर्ट दे रखे है USB का भी और मस्त टीवी से आप इसको खेलो। फिर ये वाला जो कंट्रोलर है ना तभी यूज में आता है जब आप इसको टीवी के साथ कनेक्ट करके मस्त बेड पे लेट के वायरलेसली खेलना चाहते हो सब कुछ। तो बस भाई इतना ही था डब्बे के अंदर, देख सकते हो अब खाली हो गया। अच्छा ये एक और है, सॉरी अब जो है हमारा डब्बा पूरा खाली हो गया। तो बाकी सामान को तो मैं इसी में डाल देता हूँ, अभी हमारे यूज का है नहीं। जो मेन चीज है वो बस रखते हैं निकाल के। सबसे पहले तो अपनी मेन डिस्प्ले निकाल लेते हैं, मतलब दिखने में भाई इतनी मस्त सी लग रही है ना, और क्वालिटी भी पता चल रहा है यार, बिल्ड क्वालिटी की तगड़ी है। बाकी पीछे की साइड से ऐसे इसका ये स्टैंड है, कुछ इस तरह से खुलता है और इसी को आप ऐसे ना टेबल पे मस्त लगा सकते हो और फिर कंट्रोलर की मदद से गेम्स खेलते रहो। बाकी ये जो दो आप छोटे छोटे से देख रहे हो इनको कहते हैं जॉयकॉन्स। इसमें ना व्हाइट कलर भी आता है जिसमें ये दोनों व्हाइट कलर के मिलते हैं, बट पर्सनली जो निंटेंडो का ट्रेडमार्क वाला कलर है ना वो यही है, ब्लू एंड रेड, एंड दिखने में भी यही ज़्यादा सुंदर लगता है, इसलिए मैंने स्पेशली यही खरीदा। ये मिल नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से मिला है, व्हाइट तो हर जगह था बट मैंने सोच लिया था लेना है तो यही लेना वरना नहीं लेना। फिजिकल ओवरव्यू की बात करी जाए तो ऊपर की साइड में एक पावर बटन मिल जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम अप डाउन का बटन है, एक पूरी स्पीकर ग्रिल दे रखी है, साथ में एक हेडफोन जैक है और ये है गेम कार्ड का स्लॉट। यहाँ पर आपकी गेम्स के जो कार्ड है वो डलते हैं, मतलब मेमोरी कार्ड जिसे शॉर्ट में कहते हैं। नीचे की साइड सिर्फ एक टाइप सी का पोर्ट दे रखा है चार्जिंग के लिए, बाकी लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं है। ऑन करने के लिए सिंपल हमें पावर बटन को एक बार दबाना है और इसकी जो डिस्प्ले है ऑन हो गई है। अब ये हमें पूरी इंस्ट्रक्शंस देगा किस तरह से हम इसे सेटअप कर सकते हैं। तो ये कह रहा है पहले जो दोनों जॉयकॉन्स है ना उसको लगाओ यहां पर, और वो बड़ा सिंपल है जिसमें ये एरो वाले कीज दे रखे है, ये लेफ्ट साइड का है, तो ऊपर इसको ऐसे सेट करना है और नीचे की तरफ कर देना है स्लाइड। और जो ये है ABY वाला, ये है राइट साइड का, इसको भी इस तरह से सेट करना है और नीचे स्लाइड कर देना है। जो दोनों हमारे जॉयकॉन्स है वो लग चुके हैं, हमारी डिस्प्ले भी आगे बढ़ गई है और आवाज़ भी आ गई है निंटेंडो की, जिसमें शायद से मुझे कॉपीराइट पड़ सकते हैं क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रीमर से सुना है ये बात कि अगर वो कोई भी निंटेंडो की गेम को स्ट्रीम करते हैं ना यूट्यूब पे तो उनको कॉपीराइट मिल जाता है, स्ट्राइक नहीं कॉपीराइट क्लेम मिल जाता है। तो निंटेंडो वाले बड़ा क्यों दुख देते हो हम जैसे ये छोटे यूट्यूबर्स को, अगर इस ट्यून पे भी कॉपीराइट आ गया ना तो आग लगा दूँ मैं, बता रहा हूँ। इसके बाद लैंग्वेज पूछ रहा है तो अंग्रेजी ही सेलेक्ट करनी है, और हमें प्लेस्टेशन में आदत है ना यहाँ पर एक्स होता है बट इसमें सेलेक्ट होगा भाई ए से, तो ये कर लिया है। अब ये रीजन पूछ रहा है कौन सा है, तो वैसे तो इनमें से मैं कहीं भी नहीं रहता बट फिर भी मैं अमेरिका चूज कर लूंगा। वाईफाई के नेटवर्क को सर्च कर रहा है ये, अपने वाईफाई से भी इसको कनेक्ट कर लेता हूँ मैं जल्दी से। चलो जी वाईफाई से भी कनेक्ट हो चुका है, अब इंटरनेट हम यूज कर सकते हैं अपने इस डिवाइस में। इसके बाद ये टाइम जोन मांग रहा है, तो भैया टाइम जोन तो होना ही चाहिए कोलकाता वाला। इसकी ये साउंड बड़ी प्यारी लग रही है, मतलब इतना स्मूथ है ना इसका ये हैंडल चलाने में। ये आ गया कोलकाता, फाइनली सेलेक्ट कर लेते हैं। ये पूछ रहा है कनेक्ट करना चाहोगे टीवी से, तो अभी हम नहीं करना चाहेंगे बाद में कर लेंगे। अब ये कह रहे हैं डिटैच द जॉयकॉन कंट्रोलर फ्रॉम द कंसोल, होल्ड एंड रिलीज बटन ऑन द बैक ऑफ द कंट्रोलर एंड स्लाइड इट आउट। तो ये दो बटन दे रखे हैं, इसको होल्ड करना है और फिर ऊपर जो है वो स्लाइड कर देना, तो जॉयकॉन्स हमारे निकल गए हैं। सेम इस तरह से इसका भी बटन प्रेस करता हूँ पीछे से और कर दिया है ये। इसको भाई यहाँ पे सेट कर लेते हैं ताकि पकड़ना ना पड़े। अब लेफ्ट स्टिक ये है हमारी और इसमें से मेरे को करना है नेक्स्ट, सेलेक्ट करने के लिए दबाना है राइट वाले जॉयकॉन में ए, और इसके बाद ये सब कह रहा है ठीक है फटाफट कर लेते हैं ये भी। अ यूजर विल बी एडेड टू द कंसोल, ठीक है कर देते हैं। क्रिएट न्यू यूजर, कौन सा सेट करें भाई, वैसे तो खैर मारियो के लिए फेमस है निंटेंडो तो मारियो ही लगाएंगे हम। निकनेम कह रहा है, निकनेम भी डाल देते हैं। अरे वैसे यार ये टच स्क्रीन है सच, मैं इतना क्यों दिमाग खा रहा हूँ, टच है तो अपना सीधा लगाते हैं ना। यूजर बन चुका है ओके, लिंक का निंटेंडो अकाउंट तो मेरे पास अभी कोई अकाउंट नहीं है, क्रिएट करना पड़ेगा तो ये मैं लेटर करूंगा। इसके अलावा कोई और एडिशनल अकाउंट डालना चाहूंगा तो नहीं, ये भी स्किप कर देते हैं। बाकी ये कह रहा है ऑनलाइन आप कर सकते हो गेम्स वगैरह डाउनलोड और प्ले कर सकते हो खरीद के, वो भी हम सब बाद में करेंगे। पेरेंटल कंट्रोल भी नहीं करना, ये भी स्किप कर देते हैं। सेटअप जो है वो फाइनली हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये होम बटन दबा के हम अपनी निंटेंडो की मेन स्क्रीन पर चले जाएंगे। तो ये है मेन हमारा यूजर इंटरफेस, सारा कुछ आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। सेटअप तो कंप्लीट हो चुका है, इसके मैं कुछ गेम्स भी खरीद के लाया था अपने निंटेंडो के लिए जो जो मुझे अच्छी अच्छी दिखी। मेरे को मेनली तो क्रिकेट 19 खरीदनी थी बट वो मिली नहीं, तो यहाँ फीफा 22 है मेरे पास, एक WWE 2K18 है और सबसे फेमस मारियो की ओडिसी, और इसके अलावा एक मोटर कॉम्बैट 11। तो ये बाकी तीन गेम्स तो बाद में करेंगे, मेनली फीफा 22 तो करनी है, एक अलग वीडियो बनाएंगे। बट आज के इस वीडियो में गेम प्ले तो करना है ना, थोड़ा सा सेटअप कर लिया है तो इसलिए मारियो ओडिसी की कर लेंगे, सॉरी सुपर मारियो ओडिसी, वरना मारियो फैंस भाई साहब गालियां देना शुरू कर देंगे नीचे। सबसे बढ़िया चीज़ तो आज तक मैंने जितनी भी गेम्स की अनबॉक्सिंग करी है ना उनके अंदर डिस्क ही निकलती थी, वो DVD या फिर जो भी कहते हैं, बट इसके अंदर निकलेगा कार्ड। कुछ कुछ गेम्स
गेम्स में, जैसे कि ये है WWE 2K18, इसके अंदर डिजिटल कंटेंट होता है, मतलब कोड मिलता है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो गेम को। बट इसके अंदर एक प्रॉपर मेमोरी कार्ड निकलेगा, ये जब ही गेम महंगी भी है 4000 रुपये की। देखो ये कार्ड है ना, अब इस कार्ड को सिंपली हमने लेना है और जो कंसोल के ऊपर ये स्लॉट बना हुआ है इसके अंदर इंसर्ट कर देना बस। बट सीधा किधर से उल्टा किधर से ये पता नहीं, तो एक बार डाल के ट्राई करते हैं। वाह पहली बारी में सही लग गया, क्या बात है भाई साहब। डालते ही यहाँ पर दिखा दिया मारियो ओडिसी। पहले मैं जॉय कॉन्स को कनेक्ट कर लूँ फटाफट से। लो जी हो गए है, और अब ये पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन से यूजर में आप इस गेम को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो एक ही यूजर बनाया था मैंने अनमोल, इसमें मैंने क्लिक कर दिया। गेम यहाँ पे चल चुकी है, स्टार्ट पर करते हैं क्लिक भाई फटाफट से। अब इस वाले गेम प्ले के लिए मेरे को कॉपीराइट ना मिल जाए, इसलिए थोड़ा 5-10 सेकंड का ही गेम प्ले करेंगे, उसके बाद बंद कर देंगे। ओ भाई साहब ग्राफिक्स तो कंसोल के बहुत ज्यादा तगड़े लग रहे हैं, मैं पहले वॉल्यूम ही बंद करूं वरना कॉपीराइट सच्ची में आ जाएगा। अरे यार सही है, मतलब मारियो के देखना कितने तगड़े, हम तो वो 8-bit वाले कंसोल में खेलते थे कैसे बेकार से ग्राफिक्स होते थे, पर जब भी मज़ा आता था। अब तो सोचो इतने तगड़े ग्राफिक्स कर दिए। और ये एक ओपन वर्ल्ड गेम है, फ्री टू रोम, आप घूम सकते हो, अलग अलग टास्क मिलेंगे आपको, वो करो। और ये आ गए हमारे मारियो भाई साहब, हेलो जी, काफ़ी साल बाद देखने को मिल रहे हो आप हमें। और ये क्या है, इसका एनिमी है क्या, राक्षस? मेरे को तो नॉलेज नहीं है भाई गेम के बारे में अभी क्या चल रहा है इसमें, बट जो निंटेंडो का फैन बेस है भाई, वो मारियो और जेल्डा के बहुत बड़े फैंस हैं। खैर हम भी धीरे धीरे अब घुस रहे हैं निंटेंडो में, तो जल्दी ही हम भी गेम्स की नॉलेज लेना शुरू कर देंगे। और ये हमारी रानी है जिसको हमें बचा के आना है। अबे ये क्या हो गया, टोपी उड़ रही है इसकी, तो भाई साहब स्टोरी लाइन है भाई साहब पूरी तगड़ी इस बार तो, और वो भी OLED वाली डिस्प्ले में खतरनाक ग्राफिक्स। देखते हैं थोड़ा गेम प्ले कैसा है। हमारी रानी को जो शैतान है वो उठा के ले गया अपनी फ्लाइंग उड़न तस्तरी में, या जो भी कहेंगे इसको। बी से करना है जंप। ओए होए होए भाई साहब वाइब्रेशंस फील हो रही है पूरी जॉयकॉन्स में। तो इस तरह की ये पूरी ओपन वर्ल्ड गेम है, मैं इसको खेलूंगा भाई काफी टाइम। अगर आप चाहते हो कि मैं इसका गेम प्ले AJ गेमिंग चैनल पर डालूं, या फिर निंटेंडो का कोई भी गेम प्ले अगर आप देखना चाहते हो, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी भाई इस वाली वीडियो के लिए इतना ही था, अनबॉक्सिंग दिखा दिया आपको, पूरा सेटअप दिखा दिया, थोड़ा सा मारियो ओडिसी नहीं सॉरी फिर से कह रहा हूं मैं सुपर मारियो ओडिसी का गेम प्ले दिखा दिया। बाकी यार कैसी लगी आपको वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और लाइक एम रखा हुआ है 40,000 लाइक्स का, इन आप लोग करवा दोगे कंप्लीट? नहीं करवाओगे यार, 40 ज्यादा हो गया ना, 20,000 ठीक है चलो। बाकी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज पीछे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। टाटा बाय बाय।